हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में हम प्रश्न एक और प्रश्न दो संपूर्ण किए। अब प्रश्न तीन की ओर जा रहे हैं, जो आपका व्याकरण विभाग बोलते हैं। आप छोटे हो, इसीलिए व्याकरण विभाग में जो आपके बुक्स के रिलेटेड है वो पूछे जाएंगे, और दूसरे हम समानार्थी और विरोधार्थी। तो आज हम प्रश्न तीन अ में आपका ऐसा लिखा हुआ है, खाली स्थानों में सही वर्ण लिखकर नाम पूर्ण करिए। ये आपकी वर्कबुक में है, मैंने इसी तरह से निकाले हैं, और आपको पता चले कि एग्जाम में भी किस तरह पूछे जाएंगे। तो नंबर एक में खाली जगह लिखा हुआ है और यह लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ना आता है तो आप देखोगे कि अगर मैं रा लगाऊंगी तो क्या होगा, राय, ये कोई शब्द बना नहीं। अगर मैं घा लगाती हूँ तो शब्द बनेगा घा य, तो आप ऐसे करके लिखोगे तो क्या चलेगा, आपको एक तो शब्द की पहचान होगी, दूसरा क्या आपको पढ़ना आएगा, और तीसरा आपको मात्रा की भी पहचान होगी। तो हमें इन दोनों में से जो सही वर्ण है, सही अक्षर है, वो लगाकर ऐसे देखना है, मिलाकर दोनों को के शब्द बन रहा है। तो नंबर एक है उसमें आएगा गा, तो हम इधर लिखेंगे, फिर बोलेंगे गा या, यानी आपका सही आंसर हुआ। नंबर दो में ऐसे हैं खाली जगह टर। अभी इन दोनों में से आपको लगा के देखना है, अगर मैं पहला वाला देखती हूँ म, इधर म लगा के देखते हैं तो बोलना है मटर, तो यस ये आंसर सही है। अगर आप ट लगाते हो तो टटर, तो ये शब्द सही नहीं है, तो हम इधर म लगाएंगे, यानी शब्द बनेगा मटर। नंबर तीन है खाली जगह ब, इन दोनों में से आपको मिला के देखना है, मैच करना है आपको, ऐसे कौन सा अक्षर इनके साथ मैच होके शब्द बनता है, ये जरूर याद रखना है कि दोनों को मिला के देखना है, तो ही आपको पता चलेगा। आपको ऐसे सीखना है और समझना है, सिर्फ रिवीजन के दौरान पक्का नहीं कर देना है। तो अगर आप ने लगाते हो तो नेब हो जाएगा, नेब कोई शब्द बना नहीं। अगर आप से लगाते हो तो होगा सेब, सेब यानी एप्पल, हिंदी में बोलते हैं सेब। नंबर चार में लिखा है दर, खाली जगह, इसमें दो जी है, एक जी है दूसरा जी, तो आप क्या लगाओगे और फिर बोलोगे, यानी कि पहला मैं लगाती हूँ तो बोलोगे दर्जी, अगर मैं ये चॉइस करती हूँ तो लगेगा दर्जी, आप क्या बोलते हो, दर्जी, हम दर्जी नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं जी, इनको बोलते हैं जी, जो बोलने का टोन है वो भी आपको समझना है। तो यहाँ पे लगेगा जी, यानी मेरा शब्द बनेगा दर्जी। नंबर पाँच में स प्ल स डेस रा, इन दोनों में से ट और त, अगर आप ट लगाओगे तो सटरा होगा, तो संतरा नहीं बोलते हम, संतरा बोलते हैं, तो यहाँ लगेगा त। सिक्स डा डेस या, यहाँ पे आप की लगाओगे डाकिया, तो डाकिया सही उत्तर है, यहाँ पे की लगाओ तो डाकिया हो जाएगा, हम बोलते क्या हैं डाकिया, तो यहाँ आएगा की, खाली जगह स, ये दोनों मैच होते हैं, भैंस नहीं होता है, क्या होता है भैंस, भैंस होती है, इसीलिए भैंस स, अगर आप ये लगाओगे तो भैंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैंस। खाली जगह क्षक, यक्षक नहीं बोलते हम, शिक्षक बोलते हैं, अगर आपने ये लगा दिया तो शिक्षक हो जाएगा, शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक। नाइन में है गुर, डेज गुर, अ लगाते हो तो अगुर हो जाएगा, तो हम अगुर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंगूर, तो क्या लगेगा अंगूर। टेन में है ब डेज ई, अगर आप यहाँ पे ड लगाते हो तो बड़ ही हो जाएगा, लेकिन हमें शब्द कौन सा सही है, बढ़ई,
तो यहाँ पे आएगा बर्थडे। तो ये वाले आपको एग्ज़ाम में इसी ढंग से पूछे जाएंगे, तो आपको ये लिख लेना है रिवीजन के दौरान, और इनकी तैयारी करनी है प्रश्न 3 अ की। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू।